जो डायलॉग लिखे जाते हैं और आपकी फिल्मों में जो डायलॉग लिखे जाते हैं वो डायलॉग काफ़ी अच्छे, मतलब लगातार जो है सीन अच्छे लग रहे हैं, पूरी फिल्म का जो है अच्छा बना लगता है। जहाँ तक मैंने सोचा कि डायलॉग अच्छा कोई भी राइटर लिखता है अपने तरीके से, उसका तो कहीं कहीं वो अपने जीवन से जो भी पढ़ा लिखा है समझाया बहुत गया है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं कुछ जो बोलता है लिखता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपने डायलॉग लिखे हैं तो उससे पहले का आपका जीवन और मतलब कि राइटर बनने तक जीवन में क्या क्या चीज़ें हैं। देखो जीवन में तो एक सवाल आया था जब पढ़ाई लिखाई पूरी की कि एक्टिंग करनी है मुझको, तो एक्टिंग करने के लिए हमारे गुरु ने हमें ये सिखाया कि आंखें खुली रखो, ऑब्जर्व करो। तो ऑब्जर्वेशन जो थी वो हमारा एक प्रोसेस का हिस्सा बन गया। उस समय जब हम एक्टिंग को थिएटर में करने की कोशिश करते थे, सीखते थे, गुरु हमने जो बनाए थे अपने उनके साथ एक टीम होती थी, तो ऑब्जर्वेशन जो थी वो बहुत ऑनेस्ट थी और वो हमारे हमारे अंदर बैंक करती चली गई। तो अभी एक वर्ड है ऑब्जर्वेशन, जो किसी भी आप फील्ड में, किसी भी फील्ड में, यानी कि सिर्फ सिनेमा से जुड़ी हुई फील्ड, किसी भी फील्ड में आप सतर्क रहते हैं, आप देखते हैं, महसूस करते हैं, तो वो आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। तो ऑब्जर्वेशन एज एन एक्टर मेरे जीवन में बहुत ऑनेस्ट थी और वो करते करते मैं जब बॉम्बे पहुंचा तो कुछ समय मुझे इंतज़ार करना पड़ा। इंतज़ार करते करते मेरे खाली वक्त में मुझे लिखने का अपने आप शौक हो गया। ये अपने आप शौक जो है ये आपको खुद ढूंढना पड़ता है अपने को कि क्यों होता है, कैसे होता है, ये सबका अपना अपना अलग अलग तरीके का एक प्रोसेस है। तो मैं लिखने लगा। सबसे अच्छी चीज़ क्या थी कि लिखना सिर्फ सोचना नहीं है, लिखना एक फिजिकल एक्टिविटी है। तो पहला क्या क्लियर हो गया, मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत ऑनेस्ट था जो लगता है करना चाहिए। दूसरा ये था कि मेरे पास टाइम होता था और जब मुझे काम नहीं मिल रहा था तो उसका मुझे सही मायने में यूटिलाइज जो करना था। तो एक्टिंग का रियाज तो एक अलग चीज़ है लेकिन उसको मैं लिखने लगा क्योंकि लिखना भी एक एक्सप्रेशन होता है। तो लिखते लिखते पहुंचा वो कुछ लोगों के पास, कुछ शॉर्ट स्टोरी के हिसाब से, ये नहीं कि लिखना था तो मैं सीधा स्क्रीन प्ले डायलॉग ही लिखने लगा, शॉर्ट स्टोरी के हिसाब से लिखा, कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ सोच, एक छोटी कहानी बनी। छोटी कहानी में को कहने के लिए, क्योंकि एक्टर का मीडियम मेरा पहले स्ट्रांग था तो उसको कहने के लिए मुझे कुछ कैरेक्टर्स रचने पड़े। कैरेक्टर्स क्या बोलते हैं ये एक डायलॉग का हिस्सा लेने लगे, उसके विजुअल कैसे ऑनेस्टी से सबको दिखाने लगे उस कहानी के अंदर और विजुअल देने लगे, तो वो एक स्क्रीन प्ले का हिस्सा बना। तो इन तीनों को मर्ज करने के बाद जब कुछ दिग्गजों के पास भी बात पहुंची जो मेरे सीनियर थे, तो उन्होंने कहा तुम लिखा करो। अभी मेरे जहन में मैं राइटर नहीं बना था लेकिन उन्होंने कहा कि तुम लिखा करो, और मैंने लिखना इसलिए भी नहीं बोला था कि मुझे आप ये बताइए कि मैं राइटर बन जाऊं, वो सिर्फ एक्सप्रेशन था जो मेरा लिखा। तो वो सब चीज़ें काम आई एंड मुझे एक मौका मिला, दूसरा मौका मिला, तीसरा मौका मिला लिखने का, और मैंने लिखते लिखते सीखा। क्योंकि जो भी सामने वाला मुझे बताना चाह रहा था या एक्सपेक्ट कर रहा था वो सब मैं जानता था, वो जीवन में आसपास घटा हुआ मेरे आसपास था, और वो आपको एक ग्राम में पता चल जाता है कि कोई कहानी आपको कहना चाहता है वो आपके पास है, आपने देखी है, आपने महसूस किया या नहीं किया। तो जब तीन चार मौके फिल्म लिखने के मिले, कईयों को ने पैसे नहीं दिए, कईयों ने फिल्म लिखने के बाद उनको एक्टर्स नहीं मिले तो नहीं बनी, कई फिल्म बनी लेकिन रिलीज तक नहीं हो पाई, ये लिखने की मैं फिल्में बता रहा हूँ। फिर मुझे दिवाकर बनर्जी से मुलाकात करवाई गई और उनके उनकी जो सोच थी, उनकी जो कहानी थी, उसमें मैं एज अ डायलॉग राइटर उनके साथ इन्वॉल्व हुआ, इमोशनली उनकी कहानी और सोच के साथ इन्वॉल्व हुआ, कुछ उनकी ऑब्जर्वेशन कुछ मेरी ऑब्जर्वेशन से जो मिक्स हुआ उससे वही लक्की लक्की हुआ बन के बाहर निकला। तो मैं अपनी इमोशनल जर्नी तो नहीं बताऊंगा, मैं आपको इमोशनल टेक्निकल जर्नी बताऊंगा। तो ये एक छोटा सा मेरी जर्नी का हिस्सा है जो आपके काम आ सकता है।
कि पहला ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग रखो, इमोशनली चीज़ों को महसूस करना समझ लो। मैं बहुत अलग बात बताने वाला हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं जिससे लोगों को खुशी या तकलीफ मिल सकती है, जो एक सोशल वर्कर का काम होता है ध्यान रखना, इमोशनल ह्यूमन का काम होता है ध्यान रखना, उतनी बारीकी से उन चीज़ों का ध्यान रखना। कहीं ना कहीं वन लाइन में जस्ट बी अ गुड ह्यूमन बींग, ऑब्जर्व वेल। जब ऑब्जर्व कर लोगे अंदर बैंक होगा तो एक कहानी अपने आप रची जाएगी, अपने आप बनेगी, वो कहानी आपकी सोच होगी जिसे आप लिखते चले जाओ बिना किसी टेक्निकल हेल्प के, बिना ये सोचे समझे कि ये क्या मैं लिख रहा हूँ। जब आप थक जाओ लिखना तो उस लिखे हुए को पढ़ना शुरू करो, आपको उसके अंदर सारा सार दिखेगा आपकी जर्नी का। आप एक कहानी नहीं लिख रहे हैं, आप अपनी सोच लिखिए पहले, उस सोच में कहीं ना कहीं कहानी मिलेगी, उस कहानी में जो विजुअल मिलेंगे उनको जोड़कर स्क्रीन प्ले बनेगा, उन कहानियों में जो पात्र होंगे वो जो बोलेंगे वो डायलॉग बनेगा। ये एक छोटी सी इमोशनल टेक्निकल एक्सरसाइज है जिसको प्रैक्टिकल तरीके से भी मैंने अभी आज ये नरेश को बोला कि मैं कुछ दो महीने के बाद मैं आना चाहता हूँ और इसका एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप करेंगे जो बहुत मज़ेदार होगा, जो मैंने खुद ही बनाया, खुद ही वो किया, क्योंकि कहीं दोस्त समय बॉम्बे में मिलते हैं और बोलते हैं यार असिस्ट करना है आपको, तो मेरा ये बहुत ही साफ मानना है कि असिस्टेंट राइटर का कोई नहीं हो सकता, राइटर का कोई को राइटर हो सकता है। तो बहुत ही अचरज की बात है, मेरा ड्राइवर है जिसका नाम है शौकत अंसारी, वो बिहार से वासीपुर से आगे एक जगह गिडी, उस जगह का नाम गिडी जगह है, हाँ गिडी, हाँ तो वहाँ का है वो। उसने मुझे एक दिन कुछ सुनाया और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। अब उसके जहन में तो सिर्फ ड्राइवर बनना है, वही उसकी ज़िंदगी है, लेकिन मैं उसको इंटरेस्ट देने लगा अपने बारे में बताने के लिए। कई कहानियों की, कई फिल्मों की नरेशन करते करते मैं उसको बिठा लेता कि ये मैं एक फिल्म करने वाला हूँ, तो माई वाइफ इज सेटिंग, वन ऑफ माई फ्रेंड इज सेटिंग और ही इज ऑल्सो सेटिंग। नाउ आई स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर टाइम विद हिम, ही स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर टाइम विद मी, दैट वॉल ऑफ अ ड्राइवर एंड ओनर ऑफ अ कार इज नो मोर। सो समवेयर आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि इस कहानी को मैं बेचने में अगर कामयाब होता हूँ तो मैं उसको इतना अमाउंट दूंगा जो अमाउंट उसकी नीड्स में, एक 10 साल में कमाएगा वो शायद वो 1 साल में कमा लेगा, उसको पता नहीं है। और मैंने क्या बोला था कि ह्यूमन लेवल पे बहुत काम करना जरूरी है, और एक दिन मैं उसका नाम भी दे दूंगा। तो छोटे में कहूं तो आई एम राइटिंग विद माई ड्राइवर एंड ही हैज बिकम अ को राइटर। सो असिस्टेंट बनना उस शहर में जाके कभी मत बनना। मैं बहुत चलाक आदमी हूँ, मैं आपके शहर से आपको जान जाऊंगा। आपका क्या, कहाँ से हैं आप? इलाहाबाद से। अब मैं कुछ इलाहाबादी चीज लिख रहा हूँ जो दिल्ली नहीं है, दिल्ली की तरह तो मैं बोल लूंगा। अब बोलने के लिए मैं आपको असिस्टेंट की आड़ में आपसे काम करवाता रहा कि जरा ये बताना, ये बताना, ये बताना, और आप बहुत खुश हो गए कि मैं मनु ऋषि को असिस्ट कर रहा हूँ, पर मैं आपसे कब निचोड़ लूंगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमेशा लिखने की खुद ही कोशिश करता हूँ, और सिर्फ 9 लाइन, मुझे सौरभ शुक्ला ने बोला था कि 9 लाइन लिख, 10वीं लाइन के बाद अपने आप को बोल मैं राइटर। एंड बिलीव मी, जितने भी यहाँ कोई राइटर कोर्स से भी है, राइटिंग भी जो करना चाहता है या डायरेक्शन भी है, मैं बोल सकता हूँ कि 10 लाइन भी नहीं लिखी होंगी किसी ने। 10 लाइन लिखने में, अंदर से निकालने में सालों लग जाते हैं। कोई 10 लाइन है, और 10वीं लाइन में आप राइटर बन सकते हो। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू राइट 9 लाइन्स फ्रॉम योर लाइफ, व्हाट एवर यू हैव ऑब्जर्व, इमोशनली क्या ग्रहण किया आपने, क्या लिया, सब दिखाने में, समझाने में, लिखने में मात्र 10 लाइन, और वो कहानी नहीं होगी, सिर्फ आपकी सोच से निकली हुई 10 लाइन्स होगी। तो ये एक प्रोसेस है ह्यूमन
लेवल आपका अंडरस्टैंड करने का, ऑब्जर्व करने का, टेक्निकल लेवल उसको महसूस करने का, अगेन इसे ह्यूमन लेवल टू राइट, चाहे कंप्यूटर से चाहे कलम से, अगेन इसे टेक्निकल लेवल। तो ये सारी चीज़ें जो है वर्क कर कर ही आप लिख पाओ। और ये मैं मान सकता हूँ कि जब एक फिल्म बनती है तो हम कहते हैं कि डायलॉग्स जो होते हैं ना वो सबसे आखिरी चीज़ होती है स्क्रिप्ट में लिखने के लिए। जब फिल्म बन जाती है ना तो लोग डायलॉग बोलकर बाहर निकलते हैं या गाना गाकर बाहर निकलते हैं, कोई विजुअल डिस्कस नहीं करता है, कोई स्क्रीन प्ले डिस्कस नहीं करता है। करते हैं जो फिल्म स्टूडेंट्स होते हैं वो करते हैं, आम आदमी नहीं कर पाता। इसका मतलब ये नहीं है कि डायलॉग ही सबसे बड़ी चीज़ है, बस ये होता है कि वो महसूस करा देती है आपको, कम्युनिकेट कर देती है, एक कंटेंट को पहुंचा देती है। तो मेरा फोकस हमेशा ये रहता है कि इमोशनली समझ लेंगे किसी भी चीज़ को आप, तो डायलॉग्स भी उस कैरेक्टर के अपने आप लिखेंगे। तो असिस्टेंट वाला तो मामला हटा ही दो जीवन में कि कभी ज़िंदगी में करना है, मैं साथ साथ ये भी बताता जा रहा हूँ जो नहीं करना चाहिए। अपना लिखना बहुत ज़रूरी है भाई, डायरेक्टर को अपना लिखना बहुत ज़रूरी है। अब वो डायरेक्टर्स का ज़माना नहीं है, क्योंकि अब डायरेक्टर्स अपनी सोच को विजुअल देते हैं, एक सिनेमा का रूप देते हैं, कहानी का, एक फिल्म का रूप देते हैं। तो आपको लिखना भी ज़रूर आना चाहिए। तो ये डायरेक्शन का एक हिस्सा बना लो कि मुझे 9-10 लाइन लिखनी है, और अगर रोज़ लिखनी आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं लिखनी आती है तो एक एक हफ्ते में एक बार एक्सरसाइज करते रहो आप। और ये नहीं कि पिछली 9 लाइन जहाँ ख़त्म की थी वहीं से आगे शुरुआत करनी है, जस्ट कीप राइटिंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फन इन राइटिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड मिशन इन राइटिंग। मिशन इज टू राइट अ स्टोरी विच इज देयर, तो ही राइटर बन सकते हैं, एक अपनी सोच से या एक DVD से। अब ये तुम्हें चुनना होगा कि किससे बनना है, मुझे किससे बनना है। मुझे लगता है कि वो सोच से जो राइटर बना होता है उसकी DVDs बनती हैं, तो लोग फिल्में बनाते हैं, लेकिन वो सोच बनने में समय लगता है, पर इतना डिफिकल्ट नहीं, इतना डिफिकल्ट नहीं। और पूछे मेरे भाई, सवाल होने चाहिए भाई, सवाल नहीं है तो फिर बेकार है सब। सवाल बहुत बड़ी एनर्जी है। मैं आपसे एक सवाल पे सवाल पूछने का मेरा मन है, लेकिन मैं पूछूंगा नहीं। थिएटर एक्टिंग है ये तो मानते हो आप, थिएटर में एक्टिंग, सिनेमा में भी है। रियलिस्टिक एक्टिंग तो एक फॉर्म है, आप इसको तो अलग कर दो। अभी थिएटर और सिनेमा की एक्टिंग देखो, दोनों टेक्निकली अलग अलग चीज़ हैं, लेकिन दोनों का सुर इमोशन है, दोनों का बेस इमोशन है। रोना अगर है तो थिएटर में भी रोना है, रोना है तो वो सिनेमा में भी रोना है, ठीक है। सिनेमा आपके क्लोज को कैप्चर कर सकता है, थिएटर में आखिरी ऑडियंस जो है, जो पीछे बैठी है सबसे, मतलब अगर 300 रुपए की टिकट आगे है तो 20 रुपए की टिकट पीछे है, उसको भी वो महसूस कराना। तो दोनों टेक्निकली अलग हैं, इमोशनली एक ही है। हम बहुत ही साधारण चीज़ को पकड़ लेते हैं कि थिएटर लाउड एक्टिंग होती है और सिनेमा सटल एक्टिंग होती है। अगर हम ये समझ लेंगे कि जब हम थिएटर कर रहे हैं और हम ये महसूस कर रहे हैं उसको हमें कैसे कम्युनिकेट करना है, और जब हम सिनेमा कर रहे हैं और ये इमोशन महसूस कर रहे हैं उसे कैसे कम्युनिकेट करना है, एक्टिंग से भी है। मैं और थोड़े रॉ तरीके से समझाऊँ, रॉ तरीके से समझाने पर ये है कि एक्टिंग या तो होती है या नहीं होती, ये एक लाइन है। आप अपनी जिम्मेदारी समझिए, डायरेक्टर ने आपको एक सीन दिया, कैमरा ऑन किया, आपको ये पता होना चाहिए, वो प्रैक्टिकल आर्ट है, ये पता होना चाहिए कि आप पर क्या लेंस है। शुरू में सीखते समय नहीं तो रियलिस्टिक एक्टिंग वही है जो आप महसूस कर कर
रिएक्ट करते हैं. एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्टिंग. तो जो टेक्निकल पार्ट है उसको समझने के लिए आपको सिनेमा में कैसे कम्युनिकेट करना है और थिएटर में कैसे कम्युनिकेट करना है उसकी लाइट अलग होती है. सिनेमा की लाइट अलग होती है. थिएटर एक प्रसीने में हम लोग करते हैं. नुक्कड़ नाटक में तो एक अलग ही स्टंट चाहिए, वो तो अलग ही फॉर्म है. जब हम स्टेज पे होते हैं और सामने ऑडियंस बैठी हुई है तो आपको मालूम होता है कि आप सेंटर स्टेज हैं, आपका प्रोजेक्शन कैसे वहाँ तक पहुँचना चाहिए. दोनों में बराबर का महसूस है पर दोनों टेक्निकल चीज़ें. एक्टिंग टेक्निकल 99% ही एक्टिंग प्योर होती है, रियल नहीं होती. हमें मालूम होता है कि ये स्विच ऑन हुआ, ये स्विच ऑफ हुआ. हमें मालूम होता है कि हम एक्टिंग ही कर रहे हैं तो इसका मतलब एक्टिंग कोई ओरिजिनल रियल इमोशन नहीं है. हम किसी दुखद घटना को देखकर जब रो पड़ते हैं तो वो हमारा रियल होता है यार. हम किसी फनी चीज़ को देखकर हंस पड़ते हैं वो हमारा रियल होता है. पर उसको कैमरे के आगे करना और स्टेज पर करना ईज के साथ वो हमारा टेक्निकल पार्ट होता है. तो हमें दोनों मीडियम्स को समझना पड़ेगा. जिसने थिएटर नहीं किया है उसको थिएटर के बारे में पूछना ही नहीं चाहिए, बात ही नहीं करनी चाहिए. जिसने दोनों को किया है वो अपने आप महसूस कर लेगा कि क्या है. जैसे मैं एक अपनी शुरुआत के दिनों का एक किस्सा सुनाता हूँ. मुझे जो भी बात करनी होती थी वो एक प्रोजेक्शन होता था उसमें थिएटर में. तो हमें अगर ये भी बोलना होता था सुना है कि वो तुम्हारे घर से आकर तुम्हारा टीवी उठा के चला गया. अब ये एक छोटी सी चीज़ है, ये इमोशन तो है ही ना, ये कि हम एक कॉन्स्पिरेसी में बोल रहे हैं, कुछ सीक्रेट बोल रहे हैं. तो मुझे उसमें थिएटर में अपनी बॉडी को उतना ही रियलिस्टिक रखना पड़ता था. और पिच जो होता था वो हमारा सांस हवा से निकलता था. अरे सुना है, और ये अब पावर नहीं है क्योंकि अब हम थिएटर नहीं करते हैं, लेकिन बॉडी वही थी लेकिन वॉइस प्रोजेक्शन वहां तक पहुंचे. तो इसके लिए हम टेक्निकल काम कर रहे हैं कि सुना है कि वो तुम्हारे घर आया और टीवी उठाकर ले गया. इसके अंदर ये थिएटर का टेक्निकल पार्ट है. मेरा ख्याल वही सिनेमा में हमें करना है तो हम थोड़ा सा ही बोलेंगे कि तुम्हारे घर आया तो टीवी उठाकर ले गया. तो ये इसकी वजह से हो रहा है. माइक, कैमरा, लेंस. बेटा क्लोज है, डायरेक्टर बोलता है बेटा क्लोज है तेरा, तो ये क्लोज हो गया. समझो 85 पे लग गया आपका. अब 85 पे लगा तो आपको पहले ही सिनेमेटिकली मानना पड़ेगा कि ये लगेगा. इसलिए जब आप पे 32 लगा हुआ है या 50 लगा हुआ है आपको वहीं से कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि 85 में आपका इंपॉर्टेंस निकालेगा ही डायरेक्टर. अरे आपने 32 में अगर ये बोल दिया कि मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको, तो 85 में इसको कैसे करोगे. ये लग गया. अब मैंने बोला तो अगली हो गया फ्रेम, तो उसको 50 में ही समझौता करना पड़ेगा. अब यहीं से शुरू हो जाना है और सब निकलेगा, प्रोजेक्शन सारा निकलेगा. तो कहाँ है फील बॉक्स, कहाँ है आपका वो आपकी जर्नी में इमोशनल है. अंदर टेक्निकल बॉक्स कहाँ है वो भी अंदर है. यू हैव टू फाइंड आउट योर ओन मीडियम. जैसे मुझे इनसे बात करते हुए एक पिच रखना है, पास बैठे हुए आदमी से पिच रखना है, यहाँ को बैठे हुए क्या हालत है, क्या चल रहा है, सब बढ़िया. तो ये हो रहा है. अब इसी को थिएटर में होना है और भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो ये वहाँ पहुँचेगा. तो हमें बॉडी से क्रिएट करना पड़ेगा कि हम दो दोस्त बात कर रहे हैं. नहीं तो हम रियल लाइफ में क्या करते हैं, कोई इतना पास बैठा हो तो थोड़ा बोलता भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सुना है कि तुम बॉम्बे जा रहे हो एक्टिंग करने, कोई नहीं बोलता. इसको समझना, दिस इज व्हाट रियलिस्टिक एक्टिंग इज, व्हिच इज अ फॉर्म, व्हिच इज नॉट अ प्रोसेस. जस्ट अंडरस्टैंड हाउ यू स्पीक टू योर फ्रेंड्स. बाकी सब टेक्निकल काम, सब साउंड वाला साउंड संभालेगा. जैसे ही लाउड हो गया ओए भाई थोड़ा धीरे बोल, क्योंकि उसने अपने हिसाब से सब सेट किया हुआ है. सीन का इमोशन ये कह रहा है कि दो लोग ऐसे बात कर रहे हैं तो उसने किया हुआ है. आपने वहां जैसे ही लाउड बोला आपको कम कर देंगे तो ओके एक और होगा फिर. तो लाउड एक्टिंग और सटल एक्टिंग दोनों तरीके की होती है. पर जो लाउड एक्टर होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो थिएटर के होते हैं, और जो सटल होते हैं वो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिनेमा के होते हैं. वो सब दिमाग में होता है. तो एक सॉरी मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ,
कि एक अच्छा एक्टर होता है, एक चूतिया एक्टर होता है, खराब नहीं। तो जब आप अपने दूर से बात करने की पिच, एक्सप्रेशन, इमोशन समझ लेंगे, भाई से बाप से कैसे बात करनी है, क्योंकि लिखा तो वही जाता है ना, सब जो दुनिया में हो रहा है वही लिखा जाता है, तो दुनिया को समझ लेंगे तो सिनेमा भी समझ आएगा, एक मीडियम और है थिएटर, वो भी समझ आएगा। तुमने किया थिएटर पहले? कर रहे हो अभी? हाँ, तो उसमें वॉइस एक्सरसाइज लेवल अलग होते हैं, प्रोजेक्शन अलग होता है, आप अपने अंदर बात नहीं कर सकते उसमें, आपका वॉइस बहुत बहुत लेवल होना चाहिए, और बहुत वॉइस का कंट्रोल, वॉइस में का मतलब ये नहीं होता कि आप मोनोलॉग ही बोल रहे हैं बस, वॉइस में भी अपने इमोशन होते हैं, तो वो पूरा बेस से बोलना, कि अगर आप चिल्लाए तो लोग गले से बोलते हैं, तो गला पहले शो में खराब, अगले शो में पता चला कि आवाज़ ही बदल गई एक्टर की, तो लोग चिल्लाएं भी, पर यहाँ से इसका बहुत मायने रखता है इसमें, और सिनेमा में रियलिस्टिक बहुत मायने रखता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी कहानी क्या है, किस तरीके से आप परफॉर्म कर रहे हैं, इसका कुछ हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इमोशन को समझने का एक ही फॉर्मूला है, समझ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, इट्स अबाउट कंट्रोल्ड एक्टिंग, दोनों में चाहे थिएटर हो चाहे सिनेमा हो, दोनों की एक्टिंग में एक कंट्रोल होना चाहिए, ना आप थिएटर में मिसकम्युनिकेट कर सकते हैं, ना ही आप सिनेमा में कर सकते हैं। सिनेमा में एक सीन, एक शॉट लगा है तो 10 लोग आपको बोलने वाले होंगे, थिएटर में बस कोई बोलने वाला नहीं होता, एक बार फेड इन हुआ, लाइट फेड इन हुई, एक्टर फेड इन हुए, और उनका काम, और कहते हैं कि सिनेमा हो या कोई और मीडियम हो, उसमें एक गलती पकड़ी जाती है तो लोग सुधार देते हैं, यहाँ तक इम्प्रूवमेंट में तो ले ही आते हैं, थिएटर में जब एक गलती होती है तो वो फिर लाइव में निकलती, तो लाइव का एक लाइव में परफॉर्म करना और एक शूटिंग को कैप्चर करना, लाइवली और रियलिस्टिक बनाना, उसमें दोनों में बस इतना ही फर्क है कि आप टेक्निकल और इमोशनल दोनों नॉलेज बहुत ही मैच्योरिटी से हासिल कर, और वो आपको अपने आप ही समझ आएगा, वो आपकी सेंसेस में आएगा कि हाँ ये दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज व्हाट आई शुड नॉट डू, कुछ भी हो, बहुत ही साधारण चीज़ है, वहाँ खड़े होकर आप मन में नहीं बोल सकते, मेरे को बोलना है तो एक पिच होगा, उस पिच को समझो, उस पिच के दौरान आपकी बॉडी कितनी हिली है, अब कर आप एक्चुअली खुद को ऑब्जर्व कर लो, कभी एक्टिंग खराब होगी नहीं, कभी नहीं खराब होगी, मुझे इस समय समझाना है कुछ तो मेरे हाथ अपने आप ऐसे हिलेंगे रुकेंगे, आपको समझना है तो आपके हाथ अपने आप ऐसे होंगे, ये अगर मुझे कोई परफॉर्म करना हो बिना तुम किसी नहीं, तुम खड़ा हो, अब मैं आपको बोलूं कि आप बिना डायलॉग बोले 2 हजार लोगों को कुछ समझा रहे हैं, तो एक जेस्चर करो माइंड, वेरी गुड, अब आप सुन रहे हो सिर्फ, अब सुनने की एक्टिंग करो, दिस इज व्हाट एक्टिंग इज ऑल अबाउट, सीधी सी बात है, मेरा हाथ और तरीके से हिल रहा है क्योंकि मैं किसी एक को नहीं सुना रहा, मेरे को सबको कवर करना है, लेकिन मुझे जब सुनना है तो मैं अपने तरीके से सुनता रहा हूं, कईयों को हम बोलते हैं कि सुनने की एक्टिंग कर, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा है एक्टिंग करना, सबसे पहले तो एक्ट करना छोड़ दो भाई, सॉरी तुम लोग एक्टिंग के पैसे भी दे रहे हो और मैं तुम्हें कह रहा हूँ एक्टिंग करना छोड़ दो, लेकिन भाई एक्टिंग करना ही छोड़ दो, ऐसे नहीं होता यार, तुमने वैसे आज मेरे को ये कर दिया, मैं जो भी यूज कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा कि मैं रो पड़ूंगा रो पड़ूंगा रो पड़ूंगा रो पड़ूंगा, सबकी साइलेंस हो जाएगी सुनने में, तो ये इम्पैक्ट होता है, इस दैट वॉज माई एक्शन टू क्रिएट समथिंग पार्ट इन माई सीन, बट इट्स योर रिएक्शन, सो एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्टिंग, साइंस, हर एक्शन का एक रिएक्शन, और अगर आपने जहां मैं आपसे बोलूंगा और भी क्या हाल है, अब तुम मुझसे पूछ और भी क्या हाल है, और भी क्या हाल है, बढ़िया, तुम्हें मेरे से बड़ा तो चूतिया कोई नहीं लगेगा ना, यही है बस, कहां से हो यहां से हो ये वो, और स्क्रिप्ट के अंदर अपना एक कैरेक्टराइजेशन जब भर के आता है कि ये है, ये है, ये है, तो वो अपने आप होता है, पिच हाई करते हैं उसका एक रीजन होता है, वो रीजन आपके पास होना चाहिए, पिच हाई करने के बाद वॉइस का वेरिएशन बदल जाता है, अब ये कह रहे हो वो आपकी कमी हो सकती है, आपकी कमी हो सकती है, हम डूब मरते थे
थिएटर में एक्सरसाइज करने के बाद अगर हमारा गला बैठ जाता तखनी जानवर की तरह, ये मुझे डायरेक्टर ने बोला, हमें जूली सीजर ही बना था और मुझे मारा जाता है और अपने ही लोग मारते, मेरी एरोगेंसी, मैं सेनेट पहुँच कर कुछ करता हूँ, लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी को माफ़ कर दे, तो मेरे अपने लोग ही, यहाँ तक कि ब्रूटस भी मेरे को मारता है, जब ब्रूटस मारता है तो मुझे चिंगाड़ के रोना पड़ता है हाथी की तरह, तो मैं रोया, मैंने सब इमोशनली समझ लिया। रिहर्सल में भी मैं उसी स्ट्रेंथ से करता था, पर उस दिन पता नहीं क्या हुआ, चिंगाड़ा, और वो मेरा अंतिम सीन था, मेरा गला वाला सब बैठ गया। और अगले दिन जब शो था तो मेरे से बोला भी, कल कुछ भगवान करते हैं वो आपको बाद में समझ आएगा, कि 5:30 बजे किसी ने बोला कि एक पान खा लो, किसी ने कहा कि एक इंजेक्शन लगता है वो इंजेक्शन लगवा लो, तो सब हो गया। और 6:30 बजे 3rd वेल के साथ दोबारा वो क्षमताएँ, वो पावर आ गई। पर पूरे के पूरे उस दिन 2nd डे मेरे डायरेक्टर ने मुझे कोस कोस के मेरा मनोबल जो है ख़त्म कर दिया, अरविंद गौड़ इनका नाम, कहते तुम अपने 2 साल के रियाज को कर ही नहीं रहे हो, और एक्चुअली मैं नहीं कर रहा था। तो प्रैक्टिस, रियाज, बॉम्बे चले जाते हैं, एक्टर क्या कर रहे हैं, लेटे हुए और एक फ़ोन का इंतजार कर रहे हैं, डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, लेटे हुए एक फ़ोन का इंतजार कर रहे हैं, राइटर क्या कर रहे हैं, और वो फ़ोन कौन करेगा ये भी मालूम नहीं, कब करेगा ये भी मालूम नहीं, तो कौन और कब के बीच में कुछ काम करते रहो। तो रियाज, आपका कभी आवाज़ ख़राब नहीं हो सकता, आपने मीडियम को समझ लिया और मीडियम की रिक्वायरमेंट समझ ली, एंड इट्स अ टेक्निकल थिंग वेयर यू हैव टू बी एन इंटेलिजेंट मैन इन योर हेड, आपने यहाँ से नहीं सोचा तो नहीं कर सकते। ये सब बातें थोड़ी सी कम समझना कि भाई महसूस किया जाता है, एक्टिंग तो बॉर्न होती है, हम पैदा होते ही एक्टर थे, भाई इज अ बॉर्न एक्टर, ये सब जर्नलिस्ट का लिखा हुआ एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम पढ़ते हैं और खुश हो जाते हैं, नथिंग बट बॉर्न एक्टर, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू लर्न एक्टिंग। और एक्टिंग कैसे सीखी जाती है, महसूस कर, ऑब्जर्व कर और रियाज कर, नहीं तो नहीं होगी, कभी नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है छोटे में एक्टिंग या तो होती है या तो नहीं होती, और जिस दिन नहीं होती उस दिन मालिन ब्रांडो से भी नहीं हुई होगी और नसीर भाई से भी नहीं हुई होगी, रणवीर कपूर से भी नहीं हुई होगी और ऋतिक रोशन से भी नहीं हुई होगी, जिस दिन हुई होगी तो वो सबसे हुई होगी। बट क्लीन रहो, क्लीन, क्लीन मतलब कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, और बैल की तरह मेहनत नहीं करना है, मुझे किसान की तरह मेहनत नहीं करना है, एक एक्टर की तरह मेहनत करना है। कई लोग किसान की तरह मेहनत करते हैं, हम एक्टर हैं या हम राइटर हैं, हम डायरेक्टर हैं, हमें अपने 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 तरीके से अपनी लिमिटेशन में मेहनत करनी है। अब किसी एक्टर को बोला जाए यार मेहनत कर अपने ऊपर, तो क्या करेगा, हवा लेके थोड़ा ना चलाएगा यार, खेत के खेत जोते क्या करेगा वो। कई लोग जिम में जाके मेहनत कर रहे होते हैं, उनसे पूछो जिम में क्या मेहनत कर रहा है तू एक्टर, तो अंदर एक एक इमोशन का डंबल है, अंदर ही एक एब्स हैं, सब इमोशंस के एब्स हैं, मतलब एक्टर के भी सिक्स पैक अंदर से भी होते हैं, कैरेक्टर के होते हैं, लेयर्स होती हैं, पढ़ना लिखना होता है, समझना होता है, लोगों की बात को समझना होता है। मैं कोई भी बात बोलूँगा तुम्हें वो कैरेक्टर मालूम ही होगा, इसलिए फिल्में तुम्हें अच्छी लगती हैं ना, जो जितनी भी रियलिस्टिक फिल्में वो क्यों अच्छी लगती हैं, इसलिए अच्छी लगती हैं कि हाँ यार ये तो मैंने देखा है, महसूस किया है, ये नया स्कूल है, अरे हाँ ये तो मेरे पड़ोस में रहता था, अब यार ऐसे तो मैं भी बोलता हूँ। ये एक नया दौर चला जब पिछले 10 साल में एक ऐसा सिनेमा आया जो ये महसूस करा रहा है, नहीं तो भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे जैसी शक्ल का आदमी और आपकी जैसी शक्ल का आदमी, कई ऐसी शक्लों के आदमी, हम लोग सपना अंदर ही रख कर बैठ जाते, कहीं ना कहीं हमें ऋतिक रोशन ने हिम्मत नहीं दी है, हमें तो नसीर भाई ने हिम्मत दी है ना, अगर हम सिर्फ शक्ल की बात ही करें तो यार ये कुछ है, तभी हम कहते हैं ना कि यार वो आदमी इतना खूबसूरत लगता है जब एक्टिंग करता है, एंड नाउ ही सच अ गुड लुकिंग मैन, ये सब चीज़ें हैं सर, और कुछ है। क्या सवाल सर, जब इसकी बैठक की जाती है तो बीच में गाना चला जाता है, हाँ जी, हमारे हिंदी फिल्मों में साथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं,
तो जब हम इसकी बैटिंग करते हैं उसी टाइम ये ध्यान रखते हैं यहाँ हम लोग साउंड डाल रहे हैं। हाँ, जो लोग म्यूजिकल लिखते हैं यानी गानों की सोच को दिल में रखकर लिखते हैं, देखो गाने गाना गाना एक 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 सॉन्ग लोगों को अच्छा लगता है, पर वो है सिनेमा का टूल। वो पॉइंट जरूर हम लोग ध्यान में रखते हैं कमर्शियल राइटिंग के अंदर, फिल्म राइटिंग के अंदर, कि यार यहाँ गाना आना चाहिए यार। कुछ फार्मूलाज भी हैं कि फिल्म 8-10 मिनट हो गई, 12 मिनट हो गए, चलो एक गाना देते हैं, तो हम सोचते हैं, नो डाउट हम सोचते हैं, लेकिन वो आपकी सोच पर हावी नहीं होता, वो डायरेक्टर की मर्जी पर एक रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आप इनिशियली लिख रहे हैं, जब पहली दफा लिख रहे हैं, तो गाने मत सोचिए, वो आपका काम नहीं है। आप मान के चलिए कि हम हिंदुस्तान में वो फिल्म बनाएंगे जो दुनिया को दर्शाएगी, और दुनिया में कोई बात पे खड़े होकर या स्टेज पे खड़े होकर एकदम गाना नहीं गा देता। गाने एंटरटेनमेंट है और फिल्म का एक हिस्सा होते हैं, तो आपको गाने सोचने पड़ सकते हैं, पर वो टूल की तरह सोचो कि आप मेरे को ऐसा एक सॉन्ग चाहिए जिसमें मैं इस इमोशन को उभार सकूं, या इस कैरेक्टर को मैं एक ड्यूरेशन में, एक 5.5 मिनट के गाने में या 4.5 मिनट के गाने में इन्हांस कर सकूं। जो भी मैं बता रहा हूँ, किसी भी आप गाने में अगर आप देखोगे तो गाने के साथ जब विजुअल आप देखते हैं तो आपको दिखाई देती है एक स्टोरी। तो इसका मतलब जैसे डायलॉग राइटिंग फिल्म है, स्क्रीन प्ले राइटिंग फिल्म है, ऐसे सॉन्ग का अंदर आना भी, फेड इन होना और जाना, वो भी फिल्म को ही आगे बढ़ाता है। तो इट कुड बी अ पार्ट ऑफ अ स्क्रीन प्ले ऑल्सो, बिकॉज अ रिक्वायरमेंट, बिकॉज इन आर इंडस्ट्री हिंदी फिल्म में ये होता है कि हमें गाने देने पड़ते हैं और देने भी चाहिए, क्योंकि ये हमारा तरीका है फिल्मों को में बताने का। लेकिन कई फिल्में हम देखते हैं, बेहतर फिल्में भी होती हैं कोई हमसे, उनमें गाने नहीं होते जब तक म्यूजिकल ना हो, पर हमारी हर फिल्म म्यूजिकल है, कोई लक्की लक्की हो भी म्यूजिकल थी। मतलब फंस गए ओबामा अगर आप देखते हो तो उसके अंदर एक ही गाना है, आप देखोगे तो एक ही गाना है उसके अंदर, वो भी प्रमोशन सॉन्ग है, पर वो भी फिल्म लोगों को अच्छी लगी। मैं तो यही दो फिल्म हूँ, तो जरूरी है आपको सोचना आना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट भी होती है, पर आप अपनी सोच लिख रहे हो, कहानी में तब्दील कर रहे हो, तब गाने मत सोचो, गाना तब मत सोचो, तब आप ये सोचो कि मैं अपनी कहानी लिख रहा हूँ, खत्म हो गई बात। लिरिक्स राइटर के लिए आपका काम होगा कि बॉस ये सिचुएशन है, ये म्यूजिक है, अब इस पे लिख दो, वो आपका चैलेंज होगा, तो वो आपके लिए मामला होगा, है ना। म्यूजिक का मतलब अब ये नहीं कहूंगा कि 2-3 साल का तो म्यूजिक का भी कोर्स करने चले जाओ यार, सुनो सुन के भी तो नॉलेज बढ़ती है ना। मेरे को थोड़ा, मैं कोई सुरों का ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे मालूम है कि अगर मुझे म्यूजिक यूज करना होगा तो मेरी फिल्म के मुताबिक ये गाना होना चाहिए। हिट और फ्लॉप तो यार पब्लिक करती है, हम थोड़ा ना करते हैं हिट और फ्लॉप, तो हम लोग मतलब दूसरे की फिल्म देख के हम करते हैं, हम पब्लिक होते हैं उनके लिए। लेकिन आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि म्यूजिक भी सीखो, हाँ म्यूजिक सुनो, क्योंकि वो भी एक्टिंग और राइटिंग और डायरेक्शन का पार्ट बन जाता है। कम से कम अच्छा म्यूजिक सुनते हो तो आप रिलैक्स महसूस करते हो, एक सीन आपका जो है अच्छा लिखा जा सकता है। कभी कभी राइटर ब्लॉक होता है, वो एक म्यूजिक पीस सुनकर अच्छा लगने लगता है, कभी कभी ये लगता है कि यार ये गाना बड़ा अच्छा है, इसको मैं यूज करूँगा। या देखिए, आप भी एक्सपेरिमेंट की क्षमताएँ नेचुरल होती हैं एक्सपेरिमेंट करने की, तभी आप एक्टर राइटर और डायरेक्टर बनने आए, वरना सब लोगों के पास एक स्टेबल करियर होगा जरूर, सबके पास होगा, ये सोच ही अतरंगी है तभी आप आए। तो बस एक चीज में कॉन्सेंट्रेट करो, आप लिरिक्स लिखना चाहते हैं, सिर्फ लिरिक्स लिखना चाहते हैं, और लिरिक्स आप अपना एक शौक रखो। कोई लिखा है तुमने अभी तक, सुनाओ मुझे, कोई बात नहीं, फिर कभी सुनाना, लेकिन दोस्तों को सुनाना, अगर पढ़ के सुना सकते हो पढ़ के सुनाओ। लिरिक्स कभी याद होते नहीं यार किसी को, मुझे हो जाते हैं अपने, सुनाओ सुनाओ, सब कविताएं ही हैं यार।
मेघ बरसे मन की रेत में, आंसुओं के भेष में मन द्रवित हुआ जाए, पश्चाताप हृदय को दुखाए, इसीलिए नैनों ने झरझर आंस गिराए, इसीलिए नैनों ने झरझर आंस गिराए। एक एक बूंद में थी पश्चाताप की वेदना, संयमित हुआ जीवन तो जागी ये संवेदना। भूल हुई थी जो हमसे कल, व्यथित है जीवन मेरा पश्चाताप में हर पल, इसीलिए नैन हमारे गिराते हैं आंसू झरझर, इसीलिए नैन हमारे गिराते हैं आंसू झरझर। पाप हुआ जो अनजान में, ज्ञान के अंधकार में दिव्य ज्योत से नहीं था मैं परिचित, इसीलिए कार्य कर गया अनुचित। भूल को अब मैं सुधारना चाहता हूँ, इसीलिए क्षमा चाहता हूँ। क्या पाप हमारे जाएंगे कट, अब तो पश्चाताप में बह नैन तक। तो ये लिखो, ये भावना है, इसको जब कोई पसंद करेगा और आपको म्यूजिक में डालने के लिए, आपको तो नहीं बोलेगा, म्यूजिशियन को बोलेगा, तो उसके साथ ये गठबंधन बनेगा, फिर ये थोड़ी सरल होती चली जाएगी। सरल का मतलब मुझे तो कम्युनिकेट हो गया, बहुतों को हो जाएगा, लेकिन आगे भी लोगों तक पहुंच सके, तो क्रिएटिव रिसर्च होती है कुछ, तो वहाँ तक पहुँचेगा और ये बनेगा। तो क्षमताएँ में है लिखने की, लिखते चले जाओ यार, वही। और सुंदर चीज़ लिखी है, जो भी लिखा है ये सुंदर है, इसे सुंदर ही कह सकते हैं अभी, क्योंकि अभी एक कविता का रूप, बाद में पकड़ेगा ये अपना रास्ता, बनाएगा अपना रास्ता, ऐसे ही लिखो, सब कुछ लिखो। गुड गुड गुड, वेरी गुड। क्या नाम आपका? जयप्रताप सिंह। जयप्रताप सिंह, कहाँ से आए? जयपुर से। मिर्जापुर से। और पूछिए भाई। सर तुम्हें कितना टाइम हो गया यहाँ पर? सर मुझे तो 5 months हो गया। और एक्टिंग के बारे में सोचते हुए कितना टाइम हो गया? सर सोच तो मैं काफी सालों से रहा, 4-5 साल बचपन से ही था, लेकिन तो तुम्हारा मुझे तुम्हें कास्ट करना होगा, सुन लेना। सवाल बहुत ही अजीब सा नहीं है, कितनी है खुद को करेक्ट करने की, कितनी है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, बहुत ही तीखी फील्ड है ये, जहां इंतजार करनिया बनाती है। तुम एक्टर बन सकते हो और मात्र 6 महीने हैं तुम्हारे पास, असली सीखना वहां शुरू हो जाएगा और काम जो है जाते ही मिल जाएगा। जिस दिन पहला चेक बैंक में डाला, उसी दिन ठप्पा लगा दोगे कि हम एक्टर बन गए। गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, उस दिन एक्टर नहीं बने ये कहना। मेरी प्रोसेस इमोशनल और फिलोसफिकल, मेरी टेक्निकल प्रोसेस नहीं। जब मुझे कभी भी हंसना या रोना पड़ता है, मैं अपने आप को अपनी स्ट्रेंथ से उस कैरेक्टर को समझने की कोशिश करता हूँ, अपने तरीके से उस डायलॉग को समझने और बोलने की कोशिश करता हूँ। डायरेक्टर की सोच में जो कैरेक्टर है मेरे लिए, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। तो स्टेप्स होते हैं मेरे, तो इन सब चीज़ों पे कैसे काम करना है, ये सबसे ज़रूरी काम। वो ज़रूरी काम नहीं हो सकता, अगर ज़रूरी काम होगा तो आप अपने पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको एक दूसरे को बोलना पड़ेगा जरूरी होता, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पर जरूरी आपका अपना है। जब मैं लिखूंगा तो जरूरी भी लिख सकता हूं, तब जरूरी बोलना आ जाएगा, तब भी जरूरी बोलना पड़ेगा, ये भी कला है। तो जो बोलते आ रहे हो वो गलत नहीं है, बस अब सही करने का एक मौका सही। अब मेरे को एक कैरेक्टर ही ऐसा मिल गया, हाँ जिनने जा कही थी और हम तो जाके बैठ गए। अब मैं हिंदी थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मैं तो किसी जगह के एक एक्सेंट को कैरेक्टर की तरह बोल रहा हूँ, तो वो मेरा सुना समझा हुआ था। अब मैं सही बोलता हूँ, मैं क्लियर बोलने की कोशिश करता हूँ, मेरी क्लैरिटी है, पर मुझे कैरेक्टर के लिए क्या काम आ रहा है जो मैंने पहले से रखा हुआ है। तो ये 6 महीने
आपके पास टेक्निकल काम करने के, एक दूसरे को बताने के क्या है क्या नहीं, लेकिन सीखना तो सारी जिंदगी रहेगा और हर बार जरूरी चीजें बदलती रहेंगी बदलती रहेंगी बदलती रहेंगी। निकलना मत सीखना, मतलब घुसने की भी अपनी लिमिटेशन होती है कैरेक्टर की, और निकलने की भी, कभी रास्ता छोड़ना चाहिए, जिसको हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ, हाउ टू स्विच ऑन हाउ टू स्विच ऑफ। इतने भी इन्वॉल्व ना हो जाओ कि असली चाकू पकड़ाया किसी ने तो घुसेड़ी दिया पेट के अंदर, बाद में सॉरी बोलने का भी मौका ना मिले, क्योंकि कोर्ट थोड़ा ना कहेगी आपको कि अरे जज थोड़े पुलिस थोड़ा ना कहे आपने कहा जी मैं तो एक्टिंग कर रहा था, इन्वॉल्व हो गया मार दिया। फिर जज पता क्या, मेरे जैसा जज हो तो बोले अच्छा अब तेरे को मरने का सीन करना है, मर के भी दिखा आप 100% है ना। तो हमें मालूम होता है कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग असली चीज नहीं है, एक्टिंग नकली चीज है, 100% नकली चीज है एक्टिंग। एक्टिंग को असली मत मानो आप, हम लोग एक्ट नहीं करते हैं, हम जीते हैं। जीने की कला आ जाए, एक नकली खून होता है, नकली चोट होती है, तो सब नकली है ना जी। महसूस क्या कराते हैं हम, असली असली, ये बीच का एक हिस्सा एक्टिंग का है और कुछ नहीं। बोलिए दोनों आंसर दें और पूछिए। स्क्रीन प्ले में बैकग्राउंड स्कोर कोई भी नहीं लिखता है और ना ही लिखना चाहिए। बैकग्राउंड स्कोर आप लिख रहे हो तो आप अपनी अपने इसको कहते हैं एंथू पेटेटो, यानी कि आलू का जोश जल्दी ज्यादा होता है बाहर निकलने का, तो वो मत करो। स्क्रीन प्ले में कोई ऐसे नहीं लिखता है कैमरा मूव्स, बिकॉज इट्स नॉट योर जॉब, इट्स कैमरा मैन जॉब। वीसी इसमें कैमरा मैन को अपने आप मिल जाएगा। बैकग्राउंड आर्टिस्ट आप तो नहीं है, बैकग्राउंड म्यूजिक आप तो देंगे नहीं, तो आपको क्यों करना है? इसका मतलब ओवर एंड वेल डो रहे हैं अपने इमोशन से कि माँ ने हलवा बनाया था, बेटे ने हलवा खाया था, टा टा टा, ये भी लिखो कैसे लिखोगे? और यू विल राइट टा टा टा, कैसे लिखोगे? कभी भी नहीं लिख सकते। आपका काम एक कहानी में एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये तो बचपन में सुनते थे, राजा कौन था, रानी कौन है, कौन थी, कौन है, जो भी है, राजा रानी मिले कैसे, खत्म, दोनों मर गए, खत्म कहानी, दोनों मरे कैसे। अब राजा कौन है वो ये दर्शाएगा कि क्या बोलेगा, वो कैसे रहेगा, कैसे जीवन जिएगा, रानी क्या थी, कैसे बोलेगी, कैसे थी। तो आपको अपनी कहानी बोलनी हो 10 लाइन में लिखनी हो तो आप कहाँ लिखोगे बैकग्राउंड में? आपको मुझे लगता है कि स्क्रीन प्ले की फॉर्म में लिखो ना लिखो, डायलॉग लिखो ना लिखो, पर ये तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कैमरा मत देखना लिखते समय, और बैकग्राउंड म्यूजिक तो कदम मत सोचना लिखते समय, वरना लेयर जम जाएगी और करप्ट हो जाओगे राइटिंग के अंदर। बैकग्राउंड म्यूजिक महसूस कर लो, यहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक बेसिकली ड्रामा की फील देता है। अगर वो लिखने का काम आ रहा है तो यूज करो, पर ये लिखोगे कैसे? अब वो राइटिंग में हम लोग लिखते थे कि बेचारा गरीब था मर गया, अगर ये डायलॉग लिखना है तो मैंने लिखा TCH TCH TCH, बेचारा गरीब था मर गया। अब किसी ने पढ़ना शुरू किया तो उसने बोला टिच टिच टिच, बेचारा गरीब था मर गया। तो मेरे को लगा कि ये भी गलत है, तो मैंने डॉट डॉट लगाना शुरू कर दिया उसके बाद कि ये, क्योंकि मैं एज एन एक्टर लिखता हूं तो मुझे ये लिखने की आदत पड़ गई, पर वो किसी के लिए हानिकारक नहीं। ये मर गया इसको लिखोगे कैसे? इसको लिखने के लिए तो एक और कोर्स करना पड़ेगा ना, बैकग्राउंड का वो साइंस का। तो बैकग्राउंड इमोशन है, जहां तक मुझे लगता है आपके जहन में एक इमोशनल चीज है बैकग्राउंड, तो यू डोंट हैव टू राइट और डिजाइन बैकग्राउंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड म्यूजिक।
यू हैव टू अंडरस्टैंड रिदम म्यूजिक इन योर राइटिंग. जिसका साउंड नहीं होगा पर वो महसूस करेगा, महसूस कराएगा. और पूछिए. तुमने कार में मुझसे बहुत अच्छा सवाल पूछा राइटिंग के लिए. इसके बाद बड़ा अच्छा सवाल था ये, मुझे जब लेने आया इसने पूछा कि स्क्रीन प्ले लिखते हुए हमें डायलॉग लिखने चाहिए या नहीं लिखने चाहिए. बड़ा अच्छा सवाल है. मैं आपको एक चीज बताता हूं कि डायलॉग, अगर कहानी आपकी सोच से निकली है तो उस कहानी में जितने पात्र हैं उनसे आप कहीं ना कहीं अपनी सोच के लेवल पे मिल चुके हैं, अपने जीवन के लेवल पे मिल चुके हैं. वो कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस कहानी के दौरान, लेकिन इमोशन वो आपसे चमत्कारी तरीके से लिखवा देती है. कमरा बंद करो, पेन पेपर पकड़ो, कंप्यूटर पे लिखते हो, कंप्यूटर पकड़ो और लिखते चले. किसी शॉर्ट स्टोरी को किसी राइटर की पढ़ो और उसको स्क्रीन प्ले और डायलॉग में तब्दील करो, जैसे आप उसको महसूस करते हो. जैसे भी ये एक्सरसाइज मैं आके ज़रूर करवाना चाहूँगा एक दिन, और मैं दो महीने में मेरी मुझे दोबारा वापस आना है, डेढ़ महीने में, तो मैं ये एक्सरसाइज के लेवल पे करूँगा. हम तीन चार शॉर्ट स्टोरीज लाएंगे और तीन चार दिन बैठ के लिखेंगे उसको, या एक शॉर्ट स्टोरी लाएंगे और सब राइटिंग के जितने भी लोग हैं डायरेक्शन के, हम बैठ के लिखेंगे उसको, शुरुआत करेंगे, उसको बीच में पकड़ेंगे, उसका क्लाइमेक्स लिखेंगे, कैरेक्टराइजेशन समझेंगे, उस कहानी में जो नहीं है शॉर्ट स्टोरी में उसको इमेजिन करेंगे, फिक्टिशियस तरीके से उसको भी विजुलाइज करेंगे, उसको भी लिखेंगे. आई विल ट्राई टू राइट अ स्क्रिप्ट विच इज अ प्रैक्टिकल थिंग. देन आई डोंट नो, आई आस्क नरेश कि फिर कैमरे के आगे उसको शूट करेंगे, कुछ एक्टर्स को लेकर, कुछ वो लेकर जो आप लोग करते ही होंगे, लेकिन एक साथ मर्ज कर देंगे पूरी की पूरी सेशन को, पूरी की पूरी क्लास को, जो मात्र चार दिन की एक्सरसाइज होगी जिसमें मजा बहुत आएगा, बहुत मजा आएगा. तो मैं अभी नरेश से बात ही कर रहा था, कुछ ऐसा करते हैं जिससे पता चलना शुरू हो जाए ठीक क्या है क्या नहीं. प्रॉब्लम कहीं नहीं आती, पहले तो ये पुस्तक लिखना, यही फाइट है. मैं अभी जादू कर सकता हूँ 15 मिनट के अंदर, पर ये इट्स नॉट राइट टाइम. तुम्हारी किसी भी सोच को मैं कहानी में तब्दील कर सकता हूँ, और तुम्हारे से ही मैं शुरुआत भी करवा सकता हूँ, पूरी फिल्म भी लिखवा सकता हूँ. तुमसे ज्यादा मेरे को भरोसा है, हर इंसान के अंदर एक कहानीकार छुपा हुआ, मेरा ये बहुत बड़ा भरोसा है. और वो आर्ट, वो कला, वो जो तरीका है वो कैसे होता है ये आपको समझा गया क्या है. एंड सच अ मैजिकल थिंग. ये मेरे को भी मेरे दिग्गजों ने, मेरे गुरुओं ने, पीयूष मिश्रा, सौरभ शुक्ला, रजत कपूर, इखलाक खान, इन लोगों ने मुझे भी महसूस कराई. और मुझे अब लगता है कि हाँ यार ये सवाल तो मेरा भी था, लेकिन अब तो फार्मूला, और ये फार्मूला ऐसा है जिसको जितना बांट सकते हो बांट, लेकिन इट्स नॉट राइट टाइम व्हेन आई कम अगेन, वी सिट एंड वी डू दिस एक्सरसाइज. इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू स्टार्ट. और ये एक्सरसाइज मेरा इसलिए मन है क्योंकि तुम लोग कुछ करना चाह रहे हो यार, मुंह उठा के नहीं कहीं जा रहे हो. और अगर नहीं की ये एक्सरसाइज, या तो आपका नेचुरली खुल गया तो खुल गया, अगर नहीं की तो फिर 5-5 साल नहीं लिख पाता. अभी फेसबुक के जमाने पे आप एक स्टेटस लिखते हो, 16 लाइक मिलते हैं, आप खुश हो जाते हैं. 100 लाइक मिले आप खुश हो गए, आपको लगता है हम राइटर बन गए. लेकिन ये भी आपका सवाल था, विच इज द थिंग कि सर एक लाइन तो समझ आती है पर उसको पूरे सीन में आगे लेकर एक स्क्रिप्ट का रूप देना, यही एक्सरसाइज हम करेंगे. और ये मैं 100% बोल रहा हूँ कि अगली बार आते हैं और 4 दिन में ये चीज आपके जीवन में मैथमेटिक्स की तरह समझ आ जाएगी. लेकिन फिर भाई रियाज, लिखने का भी, समझने का भी, क्षमता हो, सोचने का भी, कुछ भी भेद हो. और कोई सवाल? तुम फिल्म में एक्टिंग करना चाहते हो? फिल्म वाले बहुत उस्ताद होते हैं. जब हम कैरेक्टर लिखते हैं
तो आपको वही देंगे जो आप कर सकते हो, तो आधा काम तो वैसे ही हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ की, आप उसको कैसे करोगे, आप उसको कैसे करोगे, आप उसको बार बार पढ़ के, उसको समझ के, एक्शन रिएक्शन की थ्योरी को समझ के वैसे ही। और जब छोटा रोल मिलेगा जिसमें डायरेक्टर भी शायद एक्सप्लेन ना करे, आपको ही आना पड़ेगा, वही आपकी कड़ी परीक्षा होगी, वही आपको महसूस होगा कि क्या। सर जैसे कि मैं कह रहा था, उस स्पीच को कैसे समझो और कैसे बोलूं? नहीं, वो समझ नहीं, जो समझ आ रहा है पहली थॉट, उसमें आप स्क्रिप्ट के हिसाब से मत समझिए। या तो फिर आप पूछिए ऑडिशन वाले को कि एक्चुअली क्या है पहले, क्योंकि वो कैरेक्टर आपके सिर्फ कॉन्फिडेंस को देखने के लिए, आपकी आपके कैरेक्टर को समझने, खुद ही समझना, इसलिए ऑडिशन जो है किसी एक सीन का करवाया जाता है कि आपकी खुद की इंटेलिजेंस को कितना डायरेक्टर महसूस कर सकता है, देख सकता है। जब जो मैंने सीन किया था ओए लकी में, मेरा फंस गए ओबामा, मेरा एक ऑडिशन हुआ, जो मैंने सीन किया था उसका यूज फिल्म के अंदर सिर्फ एक ही सीन में हुआ था, उस कैरेक्टर का प्रॉपर्टी डीलर था वो जो फंस गए ओबामा में, पर मैंने वो किया था, लेकिन मुझे रोल तो मेन मिला, तो मैं उसमें पूरी जान लगा भी लेता, पर उसको तो कुछ और दिखा ना डायरेक्टर को, तो इसलिए जो भी मिला है वही रियाज, रियाज एक्शन रिएक्शन कैरेक्टर के अंदर ही है। सर उसमें समय तो कम मिलता है ना हमें। कोई बात नहीं, वही समय। यार एक बात बताओ, मैं तुम्हें बोलूं कि अपने बारे में तीन लाइन बोलो, बोलो। मेरा नाम दिनेश राजपूत है, मैं उत्तराखंड नैनीताल जिले से हूँ और मैं एमए कर रहा हूँ इस टाइम, एक्टिंग कोर्स क्राफ्ट फिल्म स्कूल। अब अपने बारे में तीन झूठ बोल दो। चलो बेटा टाइम नहीं इतना, तीन झूठ बोलो अपने बारे में। मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मेरे सामने बैठे हो, कैसे बैठे हो? ये झूठ तोड़ना, ये तो एटीट्यूड है, झूठ बोलना ये तो झूठ है, झूठ एक ही है इसके अंदर, मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ। झूठ कहाँ है? मैं शाहरुख खान हूँ, मैं न्यूयॉर्क से हूँ और मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ, ये तीन झूठ है। ना तो शाहरुख खान है, ना तो न्यूयॉर्क से, और ना तो बहुत बड़ा हीरो है। वो कैरेक्टर था और वो पहले क्या था? तुम। तो दोनों में टाइम तो नहीं लगा ना, पर मैंने तेरी इंटेलिजेंस को भाग लिया कि जहां तेरे तीन तीन उसमें बोला, उसमें तेरे से नहीं बोला गया, तो दिमाग कहां लगा अपने सेल्फ को बनाने में, उसको यूज किया जाएगा कैरेक्टर के अंदर। और कैरेक्टर झूठ जो था वो मैं लिखूंगा तेरे लिए। अब बोल कि मैंने तीन झूठ क्या बोले अपने, तेरे बारे में जो तीन झूठ मैंने लिखे थे वो क्या थे, बोल। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने सीन लिखा हुआ, मैं शाहरुख खान हूँ, मैं न्यूयॉर्क से हूँ और मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ। हाँ तो अब झूठ, अब तेरे को सच नहीं परफॉर्म करना ना, अब तुझे झूठ करना है, ये तेरा कैरेक्टर है, अब कर एक्शन। मैं शाहरुख खान मैं न्यूयॉर्क से हूँ और मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ। अच्छा अब मैं तेरे को आके ये बोलता हूँ, ऑडिशन दे रहा है तुम्हारा, कि भाई ये ना इसको मालूम नहीं है कि ये है, बड़ा रियल बोलता है ये आदमी ना, बहुत ही रियल, बहुत ही सटल बोलता है, ये कैरेक्टर ही ऐसा, अब कैसे बोले? मैं शाहरुख खान मैं न्यूयॉर्क से हूँ, मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ, यहाँ पर काम करना जरूरी है। सर मैं शाहरुख खान हूँ, सर मैं न्यूयॉर्क से हूँ और मतलब मैं अच्छा बड़ा हीरो हूँ, 10 वैराइटीज हो सकती है बोलने की। ये हम देखते हैं जब हम ऑडिशन लेते हैं या जब हम देते हैं तो ये सामने वाला देते हैं।